सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव चैनल्स को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप अपडेट रहे हमारे हर वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, और आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कोल्ड चेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कोल्ड चेन होता क्या है, कोल्ड चेन बहुत सारी कंपनियां जो बनाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या होता है कि एक मेथड है, चाहे हम या सुपरमार्केट में यूज कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हैं या कोई भी अदर शॉप पे यूज करते हैं, जहां पे हम बोतलों को ठंडा करते हैं, जहां पे फ्रीजर लगाते हैं या रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, आइस मेकर लगाते हैं। जब रेस्टोरेंट में हम जाते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आप देखते होंगे आइस मेकर, हमें जब आइस की जरूरत होती है तो अलग से एक आइस मेकर आता है, कोल्ड रूम आता है और उसके अंदर सॉफ्ट आइसक्रीम फ्रीजर भी आता है। तो ये तो आप रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में जब आते हैं तो जहाँ पे शोकेस होता है, सुपर शोकेस बनता है, मॉनिटरिंग एनर्जी सेविंग होता है, बहुत बड़े बड़े शोकेस होते हैं जो जिसको हम कहीं ना कहीं उसके अंदर सामान रखा होता है, चाहे वो उसके अंदर कोई खाने का सामान हो या कोई भी ऐसी चीज होती है जो शोकेस में रखा जाता है एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के अंदर। दोस्तों, जब आप मॉल्स में जाते हैं तो आप शोकेस देखते हैं, या हाइपर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉमर्शियल यूज जो किचन में यूज होता है उसे यूज करते हैं। और अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और अदर शॉप में जाते हैं तो आप छोटे छोटे आइसक्रीम फ्रीजर देख सकते हैं, वाइन सेलर देख सकते हैं। नॉर्मली आप दुकान पे जाइएगा जहाँ पे आइसक्रीम रखने के लिए वो चीजें यूज करता है, वो सब हर चीज एक पूरे का एक कोल्ड चेन इसके अंदर आता है। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो इन सब चीजों को जहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आती हैं कोल्ड चेन में। लेकिन हम यहाँ पे एक चेन को बताना चाह रहे हैं, वो चेन जिसके अंदर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को रखा जाता है। और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर से होता क्या है, किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं हम, वो अपनी जो क्वालिटीज को रिटेन करे रहे, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करे रहे, और वो पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड चेन। ये ओवरऑल जो कोल्ड चेन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑल द मींस यूज टू इंश्योर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट हीट स्टेबल सच एज वैक्सीन सेरम टेस्टिस From the time it is manufactured until the time it is used। तो एक मैंने केस लिया है इसके अंदर कि जो नॉर्मली इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, कोल्ड चेन का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है वैक्सीन इंडस्ट्रीज के, जहाँ पे हम वैक्सीन को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि जहां से मैन्युफैक्चर से एक वैक्सीन बनी, चाहे वो किसी चीज की वैक्सीन बनी, वो हीट की वजह से उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर कहीं पे हमें हीट मिल जाता है या अगर हम उसको ज्यादा फ्रीज कर दिया, जो ठंडा कर दिया या जमा दिया, तो उसकी वजह से कि जो उसकी जो 2 to 8 डिग्री के अंदर ही उसे प्रिजर्व करते हैं, इतना ही टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर हमें रेगुलर चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन दो मतलब हम थोड़ी देर के लिए दिया और फिर छोड़ दिया, वो टेम्परेचर हमें रेगुलर चाहिए ही चाहिए। तो उस टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं वैक्सीन्स के अंदर, और मैन्युफैक्चर जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ और जब तक वो एक नॉर्मल इंसान के पास, जहाँ पे नॉर्मल आदमी होता है, जिसे जो जैसे बच्चे होते हैं, जहाँ पर भी उसको यूज हो करना है वहाँ तक अगर आप उस वैक्सीन को उसी टेम्परेचर में पहुँचा देते हैं, हम पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोल्ड चेन। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए कोल्ड चेन के बारे में जो आपको थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पे। तो कोल्ड चेन जो सिस्टम है, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके मैन्युफैक्चर के पास ये गया है, यहाँ से मैन्युफैक्चर के बाद प्लेन में गया है, प्लेन के बाद ये इस तरह से प्रोसेस होते होते ये लॉजिस्टिक में आते हैं। ये बहुत बड़ा ये इसका कोल्ड चेन का एक दायरा है। हम बहुत ही बेसिक्स इसके दायरे को यहाँ पे एक बेस बनाने के लिए, कि कोल्ड चेन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए या आपसे कहीं पे भी बात होती है तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से प्राइमरी स्टोर से फिर लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी हम इस कोल्ड चेन की बॉक्सेस यूज़ करते हैं, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचाते हैं, इस तरह से घर पहुँचता है, फिर एक कोल्ड बॉक्स में पहुँचता है, उस कोल्ड बॉक्स से एक जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ कोल्ड बॉक्स के यूज़ करते हैं, फिर वो जाके एक बंदे को या तो उसके बच्चे को लगना है या किसी भी एज के ग्रुप को उस वैक्सीन को, जब तक उसी टेम्परेचर पर हम जाके यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को कोल्ड चेन कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कोल्ड चेन का जो हमने पहले आपको बेसिक बता दिया, हम इसके बारे में हम थोड़ा डिफिनेशनली एक वर्ड सीख लेते हैं कि कोल्ड चेन क्या है। एक नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज का है? रेफ्रिजरेटर का, कोल्ड स्टोरेज का, फ्रीजर का और कोल्ड बॉक्स का।
अभी आपने देखा पुराने स्लाइड में जैसे आपने देखा कि यहां से लेके यहां तक में टेम्परेचर को 2 से लेके 8 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर पाने के लिए हम हर जगह एक या तो रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे या फ्रीजर यूज करेंगे या कोल्ड बॉक्स यूज करेंगे उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये पूरी तरह का एक नेटवर्क है जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर ये हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज यूज़ करते हैं, फ्रीज़र यूज़ करते हैं और कोल्ड बॉक्स यूज़ करते हैं। और ये वैक्सीन्स को एक राइट टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। या तो हम ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम कर रहे हैं तो वो भी उसी राइट टेम्परेचर पर रहेगा, 2 to 4 और 2 to 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए उसका जो टेम्परेचर। या तो स्टोर भी कर रहे हैं तो हम उसी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और पॉइंट ऑफ यूज उस पॉइंट तक पहुंचाने तक हम उसी टेम्परेचर में उस वैक्सीन को सही सलामत पहुंचा देते हैं। तो ये है पूरा कोल्ड चेन। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके दो कोल्ड चेन के दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक तो मैनेजिंग इक्विपमेंट एंड मैनेजिंग पीपल। तो कोल्ड चेन का जो मैनेजमेंट है किस तरह से पूरी की पूरी इसको मैनेजमेंट करते हैं, तो एक तो मैनेजिंग इक्विपमेंट और मैनेजिंग पीपल। मैनेजिंग इक्विपमेंट में तो आप समझ गए कि किस तरह से हर इक्विपमेंट को मैनेज करना है, कहाँ पे किसने टेम्परेचर पे कहाँ पे, यहाँ तक कि हम जब लॉजिस्टिक से भी आज जब वैक्सीन को ले जाते हैं ट्रक से ले जाते हैं तो वो भी लॉजिस्टिक भी फुल्ली उस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए 2 to 8 तक के बीच को। तो इन पूरी प्रोसेस को मैनेज करना दो लोग करते हैं, या तो हम मैनेजिंग इक्विपमेंट करते हैं या पीपल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है फास्ट, जो हम पूरे कोल्ड चेन को दो स्ट्रक्चर में बांटते हैं, वो दो स्ट्रक्चर ये है फास्ट कोल्ड चेन एंड स्लो कोल्ड चेन, जिसको हम एक्टिव कोल्ड चेन कहते हैं और पैसिव कोल्ड चेन कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। दोस्तों ये एक्टिव कोल्ड चेन क्या है? ठीक है, ऐसा कोल्ड चेन जिसमें हम जैसे आइस या ड्राई आइस या कोई ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आ जाए वो यूज़ नहीं करते हैं, उसके अंदर हम एक मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली एक्टिव कोल्ड चेन के अंदर हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रखने के लिए। और उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक से पावर मिलती है, जो एनर्जी सोर्स होती है उसकी, और उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा रखते हैं, जो थर्मोस्टेट से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर वो कांस्टेंट है कि नहीं है, उस प्रोडक्ट को एक प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं। तो दोस्तों ये पूरे प्रोसेस को हम एक्टिव कोल्ड चेन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कोल्ड चेन है इसको दो यूनिट में बांटे गए हैं जो एक्टिव कोल्ड चेन है। एक होता है कॉम्प्रेंशन रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर, अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिस इंक्लूडेड एक्टिव थर्मल सिस्टम दैट डू नॉट यूज एनी फेस चेंज मटेरियल PCM, फेस चेंज मटेरियल। अब क्या होता है कि फेस चेंज मटेरियल के बारे में जब भी हम बात करेंगे, जब हम पैसिव में बात करेंगे तो यहाँ पे फेस चेंज मटेरियल हम यूज करते हैं जिसका फेस चेंज हो जाता है। जैसे आइस को अगर हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरा या कोई भी बोतल ठंडा हो गया है, अब वो आइस जैसे जैसे टिगलता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आइस का यूज कर रहे हैं, वो होता है पैसिव में यूज होता है। तो यहाँ पे फेस चेंज मटेरियल डू नॉट यूज एनी फेस चेंज मटेरियल लाइक वाटर आइस एंड ड्राई आइस। तो इसके अंदर हम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं एक्टिव कोल्ड चेन के अंदर। इसमें क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। दिस सिस्टम इज मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाय द एनर्जी सोर्स कंबाइंड विद द थर्मोस्टेट कंट्रोल टू मेंटेन द प्रॉपर प्रोडक्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है, सेम यही यहाँ पे भी हम लगाते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। जब इन दोनों के बारे में हम जानेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ये कंटेनर है दोस्तों, जिसे एक्टिव कंटेनर है। इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स दे रखा है इसके अंदर, जिसके अंदर से हमें ये टेम्परेचर के अंदर कंटेनर के अंदर कोई वैक्सीन रखी गई है जिसे कांस्टेंट टेम्परेचर में हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। ये एयरपोर्ट का सीन है, यहाँ से फिर ये प्लेन से किसी और जगह जाने वाला है ये कंटेनर। ये है एक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है कॉम्प्रेंशन इक्विपमेंट। कंप्रेंशन इक्विपमेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, या तो जैसे जहाँ अलग अलग कंट्री में अलग अलग वोल्ट दिया जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। 220 वोल्ट हमारी कंट्री में जो नॉर्मली 220 वोल्ट दिया जाता है, अलग कंट्री में 110 वोल्ट भी दिया जाता है और बैटरी से भी दिया जाता है। तो जिस मॉडल को हम 220 वोल्ट या 110 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी से हम रन कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत लिटिल एनर्जी यूज़ होता है इसको मेंटेन करने में, इतना 2 to 8 टेम्परेचर में, और इस एनर्जी को इस टेम्परेचर को
मेंटेन करने के लिए ये जो बॉक्सेस हैं बहुत ही जल्दी इस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, और ये जो बॉक्सेस हैं इजी रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो भी इक्विपमेंट है वो इजी रिपेयर हो सकता है, और नॉर्मली इसके अंदर थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं हम डिज़ायर टेम्परेचर पाने के लिए। तो ये नॉर्मली जैसे कि सम मॉडल्स रिक्वायर्ड ओनली 8 आवर्स टू एनर्जी पर डे। तो आई लाइन रेफ्रिजरेटर, तो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि जिनको 8 घंटा ही एनर्जी पर डे ज़रूरत होता है। तो इस टाइप के जो कंप्रेशन इक्विपमेंट है इसके अंदर हम कूलेंट जो यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम कूलेंट यूज़ करते हैं 138A जो यहाँ पे होता है, ये आइसोमर है जो नॉट हार्मफुल नहीं होता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये जो मेथड यूज़ किया जाता है, ये मेथड जो एक्टिव के अंदर आता है, तो जहाँ बॉक्स के अंदर एक टेम्परेचर को मेंटेन करके आगे तक पहुँचाया जाता है, तो एक तो ये मेथड से पहुँचाया जाता है, और एक होता है अब्जॉर्प्शन मॉडल। अब्जॉर्प्शन मॉडल उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, तो वहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वहाँ पे केरोसिन ऑयल या गैस यूज़ किया जाता है। वहाँ पे इस तरह के टेम्परेचर, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीरे ये टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है, और बहुत लेस कोल्ड होता है। बस एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं इतना टेम्परेचर दिया जा मेंटेन करने की कोशिश की जा सकती है वहाँ पे। ये जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है गांव में देहात में इस तरह का यूज़ किया जाता है। तो आप आइए पैसिव कोल्ड चेन या शिपिंग स्टोरेज मटेरियल जो पैसिव के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं। तो दोस्तों जस्ट एक्टिव के अंदर जैसे हमने बताया शुरू में बताया, इसके अंदर हम वाटर और आइस का यूज़ करते हैं मेनली। इसके अंदर वाटर और आइस को हम एक बॉक्स होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने वैक्सीन्स डाल दिए, और वैक्सीन्स के ऊपर से मैंने एक इंसुलेटर डाल के उसके ऊपर से हमने आइस डाल दिया। तो इस टाइप को जो पैसिव कोल्ड चेन कहते हैं। इसके अंदर जो PCM मटेरियल यूज़ करते हैं, PCM सच एज वाटर आइस एंड ड्राई आइस यूज़ करते हैं शिपिंग के लिए। मोस्टली ये बहुत ही इफेक्टिव होता है छोटे कंट्री टू कंट्री में, अगर हम किसी सामान को भेज रहे हैं या छोटे स्मॉल लेवल के अंदर में ये फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर के हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम जिन टाउनशिप लेवल इसके अंदर हम या तो आइस या ड्राई आइस यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके एक कांस्टेंट टेम्परेचर को हम मेंटेन कर पाते हैं। तो ये आता है पैसिव कोल्ड चेन के अंदर। तो दोस्तों एक थोड़ा सा एक ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये सब ये कैसे होता है। जैसे किसी मैन्युफैक्चरर ने एक वैक्सीन बनाई, बनाने के बाद वो नेशनल एयरपोर्ट पर गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गया, तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको शुरू में एक्टिव का बॉक्स जो दिखाया, इसके अंदर हमने 2 से लेके 8 तक का टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा। फिर उसको हमने प्राइमरी स्टोरेज तक, वहाँ एयरपोर्ट के बाद प्राइमरी स्टोरेज जहाँ पे एक जो रिसीवर होते हैं प्राइमरी स्टोरेज, वहाँ उनके पास या तो कोल्ड रूम होगा, कोल्ड रूम ही होता है नॉर्मली, तो कोल्ड रूम के अंदर वो रखते हैं। फिर जाके एक रेफ्रिजरेटर आता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, और जब हम हेल्थ पोस्ट पे जाते हैं जहाँ पे हमें दिया जाता है वहाँ पे इस तरह का बॉक्स होता है, उसके अंदर हम तो कहीं कहीं पे यहाँ पे हम जो मेंटेन करते हैं वो पैसिव लेवल से करते हैं, वहाँ पे आइस या ड्राई आइस वगैरह डाल के टेम्परेचर। और फिर ये हेल्थ पोस्ट के थोड़े टाइम के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए यूज़ किया, टेम्परेचर मेंटेन रहा, और उसके बाद हम फौरन ही चाइल्ड या मदर को वो वैक्सीन लगा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ये कोल्ड चेन का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो कोल्ड चेन पे, प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये वीडियोस को। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि एक बेल आइकन का फिगर आएगा, उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन फिर इस टाइप में चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।